क्योंकि एक साल से ऑलरेडी लॉकडाउन हम झेल ही रहे थे, और अब फिर से जब कोरोना के केस सामने आ रहे हैं तो मुझे ये भी खतरा लग रहा है कि शायद सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे और फिर से जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं उनको हमें फिर से झेलना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लोग अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा विवेक दिखाएं, तो हम अभी भी इन बढ़ते हुए केस को रोक सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं मेट्रो से आया हूँ तो यहाँ पर शायद रैंडम टेस्टिंग चल रही है लोगों की, और आई थिंक पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है इसको कंटेन करने के लिए, लेकिन अगर लोग साथ नहीं देंगे तो मेरे को लगता है कि फिर से हम सेम हालात देख सकते हैं बाद में। रैंडम टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली टेस्टिंग से मुझे नहीं लगता कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे तो हमें केवल ये पता चलेगा किनको कोरोना है और किनको नहीं है। मेन बात तो यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स बनाए गए हैं उनको हम पालन करते रहें, ताकि अगर अगर कुछ केसेस बढ़ भी रहे हैं तो हम उनको कम कर पाएं, क्योंकि टेस्टिंग से तो केवल हमें डेटा पता चलेगा, उस डेटा से हम ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, हम अपना विवेक का यूज़ करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से और क्या स्टेप्स होने चाहिए इसके अलावा? सरकार तो अपनी तरफ से ट्राई कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेन रोल इसमें पब्लिक का ही है, क्योंकि सरकार तो कितने भी रूल्स बना सकती है लेकिन जब तक लोग उसको पालन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। होली की बात करें तो पब्लिक में होली सेलिब्रेशन बैन हो गया है। आर यू डिसअपॉइंटेड और हैप्पी? खुशी हो रही है? डिसअपॉइंटेड तो नहीं हूँ, बिकॉज क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से देखना चाहिए, हम इतने सालों से होली खेलते ही आए, अगर हम एक दो बार नहीं भी खेलेंगे, और ये हमारी जान का सवाल है। हम आरटीपीसीआर कर रहे हैं, रैपिड मलेरिया टेस्ट जो होता है सर, ये क्या होता है जो पेशेंट अदर स्टेट से आ रहे हैं, मैक्सिमम पेशेंट बाहर से, ये जो मैक्सिमम पैसेंजर हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं, तो यहाँ और दिल्ली में कहीं जॉब करते हैं, कहीं लेबर का काम करते हैं, तो उनका क्या करते हैं, हम आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। जैसे आते हैं, अगर कोई सिम्टोमेटिक है, लग रहा हमको सिम्टम है उसको, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, उसका तुरंत रिपोर्ट हम उसको दे देते हैं, निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो हम कोविड केयर सेंटर उसको रेफर कर देते हैं एम्बुलेंस।